प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। इस वीडियो की शुरुआत आज हम दक्षिण भारत से करेंगे कि कई लोगों की शिकायत थी कि दक्षिण भारत पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इस समय दक्षिण प्रायद्वीप में कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो अंदरूनी कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा, तमिलनाडु, इन सब इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो रही हैं। तटीय कर्नाटका और केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन ही देखी जा सकती है। अभी आप देखिए कि साउथ कोकोनट गोवा से लेकर के नॉर्थ केरला तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, यानी कि प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा कि कोस्टल कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, एक दो अच्छा स्पेल भी होगा। केरल में हल्की बारिश ही रहेगी, कोझिकोड, कुन्नूर, अलप्पुझा, कोची, इन सारे इलाकों में, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, मैंगलोर, कारवार, इन सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और आंतरिक कर्नाटका में जैसे धारवाड़, कोप्पल, गडक, हवेरी, बेंगलुरु, चामराजनगर, मैसूर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेंगी या ना के बराबर रहेंगी और मोस्ट ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु में मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई, पुडुचेरी, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर होंगी और मोस्ट ड्राई वेदर ही रहने की संभावना है। उमस भरा मौसम गर्म रहेगा। रायलसीमा में कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर, ये सारे इलाके भी शुष्क बने रहेंगे। और तेलंगाना के जो उत्तरी ज़िले हैं जैसे आदिलाबाद, खम्मम, वारंगल, इन सारे इलाकों में, हैदराबाद वगैरह में लाइट रेन होने की संभावना बनी हुई है। बाकी इलाके लगभग शुष्क ही रहेंगे। जो दक्षिणी ज़िले हैं वो शुष्क रहेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी, ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नहीं रहेंगी। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में आपने देखा कि बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा उग्र हो चुकी हैं, खास करके पहाड़ी जिलों में, जिससे कि बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा है कल, और कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। जैसे हमने पहले बताया था, 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश जब एक घंटे में होती है उसको बादल फटना कहते हैं। और मिनी क्लाउड बर्स्ट होता है जब लगातार दो घंटों में 50 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए, तो उसको भी क्लाउड बर्स्ट, मिनी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो पहाड़ी राज्यों में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अब क्या होगा कि अगले दो तीन दिनों के दौरान इस तरह की घटनाएं इन इलाकों में होती रहेंगी, इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है और हो सके तो वहां न जाएं। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी काम नहीं है तो वहां जाना अवॉइड करें। पंजाब और हरियाणा में बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ने वाली हैं, हालांकि जो पश्चिमी जिले हैं इन इलाकों के, उस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ अभी भी काफ़ी कम रहेंगी। दिल्ली में आज बारिश की गतिविधियाँ कम रहेंगी, कल से एक बार फिर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। और उत्तर प्रदेश के काफ़ी इलाकों में बारिश ऑन एंड ऑफ जारी रहेगी, ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया गंगे पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है, तो गंगे पश्चिम बंगाल में आज और कल, आज भारी बारिश होगी, कल थोड़ी सी कम हो जाएगी। झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के साथ साथ दक्षिणी बिहार में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ कल से बढ़ेंगी, खासकर के दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट वगैरह में, जौनपुर, भदोही, सोनभद्रा, इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर, कोरिया, कोरबा में भारी बारिश की संभावना है। सतना, सीधी, पाना, सिंगरौली, इन इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट MP में। और उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी और काफ़ी इलाकों को कवर करेंगी, यानी कि पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। और राजस्थान की बात करें तो हरियाणा के साथ साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि धौलपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, अजमेर और कोटा, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो बारिश की गतिविधियाँ हैं पूर्वी राजस्थान में ही ज़्यादा रहेंगी, पश्चिमी राजस्थान में कम रहेंगी। गुजरात में लाइट रेन ही रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों की, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम रहेंगी और विदर्भ में हल्की बल्की बारिश रहेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर रहेंगी, काफ़ी कम रहेंगी अगले दो तीन दिनों के दौरान। और तटीय जो महाराष्ट्र है, जैसे कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रहेगी, ज़्यादा बारिश नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन बीच बीच में बादल आते रहेंगे और बारिश होती रहेगी, बहुत ज़्यादा संभावना इस इलाके में नज़र नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो साउथ पेनिनसुला है और महाराष्ट्र वगैरह और तेलंगाना, ये ज़्यादातर शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बादल फटने की घटनाएं आगे भी जारी रहने से संभावना बनी हुई है।
इस समय की क्लाउड पिक्चर आप देखें तो ये देखिए दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में बादल बन रहे हैं। इसी तरह जो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में और राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी तरह कलकत्ता के आसपास के इलाकों में, झारखंड में और ओडिशा में बादल की गतिविधि काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये अभी का पिक्चर है, लगातार हर आधे घंटे में चेंज होता रहता है, तो इसके आधार पर फोरकास्ट नहीं होता है। ये नाउकास्ट के लिए ही काम आता है या डॉपलर नाउकास्ट के काम आते हैं, लेकिन जैसे हमने आपको बताया उसी तरह की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।